ये देख क्या आया है पेपर में। इस साल कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी का हमला होने की गहरी संभावना है। गुलाबी सुंडी के हमले से फसल का लगभग 40-50% तक नुकसान हो सकता है। अरे यार घबराना छोड़ो, नए कीट की खबर है इसीलिए अखबार में आई है। सभी कीटों का सतत प्रबंधन ही इलाज है। गुलाबी सुंडी ही नहीं, रस चूसक कीट भी संभालने हैं और उपज में बढ़ोतरी भी लानी है। मुझे तो इन तेला माहू और सफेद मक्खी जैसे रस चूसक कीटों का नियंत्रण करने में बहुत परेशानी आई है, और उसमें अब ये गुलाबी सुंडी। अरे रस चूसक कीटों का नियंत्रण करने में कैसी परेशानी? कितनी दवा इस्तेमाल की पर उनका असर थोड़े ही दिन रहता है, बाद में फिर से इनका प्रकोप शुरू हो जाता है। रस चूसक कीटों का नियंत्रण करने के लिए ये वो दवाई क्यों इस्तेमाल करना, जब हमारे पास है UPL का उलाला। कपास की फसल के लिए मैं पिछले कई सालों से सिर्फ उलाला का ही प्रयोग कर रहा हूँ। इतने सालों से उलाला का प्रयोग करने के बाद उलाला ने ये दिखा दिया है। उलाला सबसे अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है। उलाला का निर्देशित समय पर प्रयोग इसे और भी असरदार बना देता है। उलाला का दो बार इस्तेमाल फसल को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है, जो सफेद मक्खी, माहू और तेला की खाने की क्षमता को खत्म कर देता है और आने वाले हमले से भी बचाता है। उलाला बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करने में सबसे अच्छा है। ये तो बहुत बढ़िया उत्पाद है, पर इस साल अब यह गुलाबी सुंडी के नियंत्रण के बारे में भी सोचना पड़ेगा। गुलाबी सुंडी को रोकने का भी UPL के पास उत्पाद है, सॉर्टर और विराट, जिससे गुलाबी सुंडी का लगभग नियंत्रण हो सकता है। पर उससे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पिछले सीजन के पुराने बॉल और फसल के ठूठों को नष्ट कर देना चाहिए और गर्मी के महीनों में गहरी जुताई करनी चाहिए। फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से कीट आबादी की निगरानी करते रहना चाहिए। अगर हर ट्रैप में 4-5 कीड़े दिखाई दें तो तुरंत सावधान हो जाना और प्रतिबंधन की शुरुआत कर देना। बुआई के 45 दिन बाद से UPL के सॉर्टर